हाय दोस्तों, ये जो पकोड़ा देख पा रहे होंगे ये चाल कुमड़ा से बनाया गया है। तो हम लोग सबसे पहले चाल कुमड़ा कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम लोग इसको अब बारीक पीस लेंगे। तो अभी हम इसको सबसे पहले छिलका उतार लेंगे। सकते हैं चाल कुमड़ा। कटिंग करना हो चुका है तो अभी हम इसको धो लेंगे। अभी हम इसको मस्त बारीक से पीस लेंगे। आप देख सकते हैं इसको मिक्सी में नहीं पीसना है, दोस्तों। ये चावल हम भिगो के रख दिए थे, अभी इसको हम लोग मिक्सी में पीस लेंगे। हम देख सकते हैं चावल हम लोग पीस लिए हैं। ये चावल के साथ हमें वही चाल कुमड़ा को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें प्याज हल्दी मिर्च डाल के हम लोग पकौड़ा बनाने की तैयारी चालू कर देंगे। देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रहा है अपना चावल पिसा हुआ। अभी हम चाल कुमड़ा में से पानी को थोड़ा छान लेंगे, क्योंकि अगर इसमें पानी रहेगा तो आपका जो पकौड़ा है वो गीला बनेगा और आपको मजा नहीं आएगा खाने में। देख सकते हैं हम लोग कैसे पानी बाहर निकाल रहे हैं। अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना जरूरी है, जिससे जो चावल का आटा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अरे लगभग मिक्स हो चुका है। अब देख सकते हैं अभी हम इसमें कच्चा मिर्च डालने वाले हैं। 5 से 6 कच्चा मिर्च हम इसमें डालने वाले हैं। बारीक कटिंग करके डालना है। हम इसमें प्याज भी डालने वाले हैं। अभी हम प्याज डालने के बाद हम इसमें हल्दी और नमक डालेंगे।
फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हम पकौड़ा बनाना चालू कर देंगे। प्याज को एकदम बारीक से काटना है। देख सकते हैं यहाँ पे नमक, आधा चम्मच नमक डाल रहे हैं हम लोग। और लगभग आधा चम्मच हल्दी। अभी इसे हम लोग हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इधर हम कढ़ाई बिठा दिए हैं और आप देख सकते हैं हम कैसे जो चाल कुमड़ा का जो पकौड़ा है हम बनाना चालू कर दिए हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद ही हम लोगों को बनाना चालू करना है, क्योंकि तेल जब तक अच्छे से गर्म नहीं होगा तब तक आपका पकौड़ा अच्छे से पकेगा नहीं। तो हम इसको भी चेंज कर देते हैं। एक साइड लगभग पक चुका है, हल्का हल्का कलर आना भी चालू हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। तो जो हम पकौड़ा बना रहे हैं इसको आप बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं और बहुत ही कम खर्चे में। और अपना पकौड़ा बनकर तैयार। अब देख पा रहे हैं कितना मस्त खिला खिला बना है अपना पकौड़ा, और हम टेस्ट करके आप लोगों को बताते हैं कैसा बना है अपना पकौड़ा। दोस्तों टेस्ट बहुत बेहतरीन आया है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर बताएं और घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें ज़रूर बताएं आगे कि अपना ये पकौड़ा घर में कैसे बनाया है।